तो कल हम लोग पाठ चार मधुरा श्लोका के अभ्यासों को बना रहे थे। पेज नंबर 47 तक आप पहुंच चुके थे। अब यहां पर आप देखिए कि नपुंसक लिंग, अकारांत नपुंसक लिंग का रूप कैसे चलता है, उसके अभ्यास कैसे बनते हैं। यहां पर देखिए अकारांत नपुंसक लिंग, आपको कल भी बताया गया कि जिनके अंत में अ आए वो अकारांत कहलाते हैं। जैसे फल, फल बोल रहे हैं तो ल के अंत में क्या आया, अ आया, इसलिए अकारांत हुआ। लेकिन कैसा अकारांत, नपुंसक लिंग, अकारांत तो है लेकिन नपुंसक लिंग। तो फल का रूप आपको पहले से भी पता है, फलम फले फलान, फलम फले फलान। तृतीया से बिल्कुल बालक के ही समान रूप चलेगा। देखिए फलेन फलाभ्याम फलई, अगर बालक का रूप आपको याद है तो बालकेन बालकाभ्याम बालकई। तो तृतीया से बिल्कुल बालक के ही समान चलेगा। यदि आपको बालक का रूप याद है तो आप फल के रूप को भी अच्छे से समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। पूरे फल के रूप को याद करने की जरूरत नहीं, अगर आपको बालक का रूप याद है तो उसी पर ही आप फल के रूप को भी अच्छे से फिट कर सकते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि सर्वेशम नपुंसक लिंग के रूप जो है वह क्या होते हैं। शब्दनाम तृतीया विभक्ति सप्तमी पर्यर्थितम रूपाणि पुल्लिंगवत एव, वही बात कि नपुंसक लिंग के सभी रूप क्या करते हैं, तृतीया से सप्तमी तक यानी तृतीया विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक बिल्कुल पुल्लिंग के समान ही चलते हैं। जैसे अभी हमने बताया आपको कि यदि आपको बालक का रूप याद है तो आप फल के रूप को भी अच्छे से लिख सकते हैं, केवल तृतीया से सप्तमी तक। प्रथमा और द्वितीया फल का क्या होता है, अलग रूप चलता है। ऐसे ही जल का भी होगा, ऐसे ही पत्र का भी होगा, ऐसे ही पुस्तक का भी होगा, है ना। जितने भी अकारांत नपुंसक लिंग हैं उनके रूप क्या होंगे, अकारांत पुल्लिंग के समान चलते रहेंगे। कह रहे हैं कि अधुना फल शब्द से रूपाणी इव क्या होंगे, पुस्तक पुष्प कार्य एतेषां शब्दानां रूपाणि अभ्यास पुस्तिकायां लिख। अब आप देखिए कह रहे कि प्रत्येकम वाक्यस्य समक्षम कोष्ठके द्वे पदे दत्ते, दो पद्य उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानान पूरयन्। जैसे उदाहरण में दिया कि नरः भोजनेन जीवति, ब्रैकेट में दो शब्द दिया हुआ है ना रेड कलर से, तो नरः भोजनेन जीवति, ठीक, यहां से लेकर के लिख दिया है। अब आपको यहां पर लिखना है नरः उद्यानम गच्छति, तो क्या करने के लिए, भ्रमणाय, है ना। यहाँ देखिए भ्रमणाय उद्यानम गच्छति, यहाँ पर हमने लिख दिया है, आप भी अपनी बुक में पेंसिल की सहायता से लिखेंगे। दिखाई दे रहा है ना सभी को। ठीक, यहाँ पर कोष्टक में दो शब्द दिए हुए हैं, उचित शब्द को लेकर के यहाँ पर लिखना है। जैसे आचार्य शिष्याय पुरस्कारम यच्छति, शिष्याय, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है शिष्याय पुरस्कारम यच्छति, आचार्य शिष्य को क्या करते हैं, पुरस्कार देते हैं। जब शिष्य अच्छे कार्य करते हैं तो उनको पुरस्कार दिया जाता है गुरु के द्वारा। तो यहाँ पर गुरु क्या कर रहे हैं, अपने शिष्य को पुरस्कार दे रहे हैं। अब हम लोग आगे चलेंगे पेज नंबर 49 पर। यहां पर देखिए
मालाकार उद्यानात पुष्पाणि आनयति, है ना। यहां से उद्यानात को लेकर के आप लिखिए अपने बुक में। बालक पठने निपुण अस्ति, देखिए एक बालक यहाँ पर बैठ करके पढ़ रहा है, तो बालक पठने निपुण अस्ति, पढ़ने में, है ना, निपुण के साथ क्या होती है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। निपुण शब्द कहीं भी आएगा आप वहां पर सप्तमी विभक्ति का ही प्रयोग करेंगे। बालक, जैसे अगर पढ़ने की जगह बोलने में निपुण है, बालक वदने निपुण अस्ति, दौड़ने में अगर निपुण है तो बालक धावने, ठीक है। निपुण शब्द जैसे ही आएगा वहां पर शब्द लग जाएगा। अब देखिए आ गया आकारांत स्त्रीलिंग। आकारांत स्त्रीलिंग वर्ण विन्यास के माध्यम से आप देखिए यहां पर लता, है ना, ल प्लस अ प्लस त प्लस आ, वर्णों को अलग अलग कर देना ही वर्ण विन्यास कहलाता है। आप कल भी बताया गया था और क्लास में भी बताया गया, हम एक एक वर्ण को बिल्कुल अलग कर देंगे, उसी को वर्ण विन्यास कर, ठीक है। तो देखिए लता का पद विच्छेद किया हुआ है, पद विच्छेद यानी एक एक पदों को तोड़ करके लिख देना उसमें कौन कौन सा वर्ण मिला हुआ है। ल में देखिए अ मिला हुआ है, त में आ मिला हुआ है, तो लता, धरा, महिला, देखिए म ही ला ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पर, महिला। निशा, निशा को कैसे लिखा, न में छोटी की मात्रा है और ताला विशा है और आ है, निशा। शिक्षिका, शिक्षिका शा में देखिए क्या किया है, छोटी की मात्रा है, क है, मूर्धन ष है, ई है, क है, आ है, इसको कहते हैं वर्ण विन्यास। आपको परीक्षा में भी आएगा वर्ण विन्यास और वर्ण संयोजन, जैसे शिक्षिका वर्ण लिखा हुआ है, ये वर्ण संयोजन हो गया, इन वर्णों को जोड़ करके लिख देने को ही हम क्या करते हैं, वर्ण संयोजन करते हैं, ठीक। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आप बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे सर, समझ यहां पर रहे हैं जो सर। आप देखे शिक्षिका लिखा हुआ है ना, तो ये हो गया क्या, वर्ण संयोजन, यानी यहां पर जो वर्ण दिए गए हैं ये सभी इनको जोड़ करके वहां लिखा गया। तो सर्किल वाला जो है इसको हम वर्ण संयोजन कहते हैं, यानी ये जो अलग अलग वर्ण दिए गए हैं इनको जोड़ करके एक जगह लिख दिए तो इसको कहते हैं वर्ण संयोजन। लेकिन अगर ऐसे दिया हुआ है अलग अलग करके लिखना है तो इस प्रकार की विधि के द्वारा लिखते हैं जब हम, तो उसको कहते हैं क्या, वर्ण विन्यास। क्या कहते हैं, वर्ण विन्यास, जी ठीक है। अब आप देखिए कह रहे हैं कि एतेषां शब्दानां अन्ते आवर्ण अस्ति, अतः एते शब्दाः आकारांताः सन्ति। इन शब्दों के अंत में देखिए आ लगा हुआ है, इसीलिए आकारांत कहते हैं। आकारांत जिनका अंत आ से हो, जैसे वीर बालिका, आजीविका, अजा, मार्गदर्शिका, श्रद्धा, शिखा, विमान चालिका, शाखा, शोभा, अंबा, अध्यापिका, शोभना, धारा, कृपा, बालिका, ये सभी क्या है, आकारांत है। कह रहे कि ऐसा ऐसाम शब्दानाम अंते, जिन शब्दों के अंत में आकार भवति, ते सर्वे एव शब्दाः आकारांता भवन्ति, ऐसे सभी शब्द क्या होते हैं, आकारांत कहलाते हैं।
उपरि लिखता सर्वे एव शब्दा आकारांता स्त्रीलिंगा सभी जो ऊपर लिखे गए शब्द हैं वो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। आकारांत कैसे पद हैं? स्त्रीलिंग। अब कह रहे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के रूप कैसे होते हैं भाई? तो लता का रूप देखिए, लता लते लता, लताम लते लता, लतया लताभ्याम लताभिः, लतायै लताभ्याम लताभ्यः, लतायाः लताभ्याम लताभ्यः, लतायाः लतयो लताम, लतानाम लतयाम, लतयो लताशु हेलते हेलते हेलता। इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर लता का रूप दिया हुआ है। आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे तो हमेशा आपको आकारांत स्त्रीलिंग का कोई भी रूप रहेगा, यदि आपको लता का रूप याद हो गया तो अब आप इसी पर रमा का रूप भी लिख सकते हैं, माला का रूप भी लिख सकते हैं अच्छे से हैं। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, कोई भी आकारांत स्त्रीलिंग वर्ड आएगा उनके रूपों को आप अच्छे से लिख पाएंगे। बात समझ में आई? कह रहे एतानि रूपाणि ध्यानेन पठन्तु वदन्तु च, एषां शब्दानाम अंतिमः वर्णः आ भवति लिंगम च स्त्रीलिंगम भवति तेषां रूपाणि लतावत एव भवन्ति, उनके रूप कैसे होंगे लता के अनुसार। अब अभ्यास के लिए देखिए, करें कि लत्ता शब्दस्य उपरि लिखितानि रूपाणि अधिकृत्य अधो लिखितानां शब्दानां यथा निर्दिष्ट, जैसा निर्देश दिया गया है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ शिक्षिका प्रथमा विभक्ति, तो इसका एक वचन द्विवचन बहुवचन लिखना है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है शिक्षिका शिक्षिके शिक्षिका, ऐसे आप भी लिखिए। इसको जल्दी से लिख लीजिए आप। चलिए आपने पूरा कर लिया इसको। अब देखिए यहां पर करें कि अधो लिखित वाक्येषु अकारांत पुलिंग शब्दानां स्थाने, अकारांत पुलिंग शब्दानां स्थाने आकारांत स्त्रीलिंग शब्दानां प्रयोगम, आकारांत जो पुलिंग का शब्द दिया हुआ है उसके स्थान पर आकारांत का प्रयोग करना है, आकारांत स्त्रीलिंग का प्रयोग करना। बात समझ में आ रही? जैसे उदाहरण में देखिए यहां पर दिया हुआ है गजौ धावतः, दो हाथी जाते हैं गजौ धावतः, गजे धावत है ना, गज पुलिंग भी है स्त्रीलिंग भी आएगा गजा शब्द से, ठीक है। तो द्विवचन का जब यहां पर गजव लिखा हुआ है तो आप देखिए अपने बुक में वहां पर लता लते लिखा, तो ऐसे ही गजा गजे होगा कि नहीं होगा, ऐसे यहाँ पर चटकह आकाशे उत्पत्ति, तो इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट में दिया है कि चटका स्त्रीलिंग का रूप यहाँ पर क्या होगा, तो चटका आकाशे उत्पत्ति। है ना, शिष्य विद्यालयम गच्छति, फिर पाठशाला दिया है तो पाठशाला का उचित रूप यहां लिखेंगे, तो शिष्य पाठशालाम गच्छति।
गोपैः सह क्रीडति, तो स्त्रीलिंग में हो जाएगा श्री कृष्ण गोपिकया सह क्रीडति, तृतीया विभक्ति में लिखेंगे। तो यहां पर गोपिका भी लिख सकते हैं, गोपिका भी। यहां पर गोपिका भी लिखेंगे। क्योंकि ऊपर जो दिया हुआ है वह क्या है, बहुवचन में है, गोपाई ही बाल कई ही, आप पढ़ते हैं ना गोपाई लिखा बहुवचन में है, तो यहां भी जब हम प्रयोग करेंगे तो गोपिका भी लिखेंगे, गोपिका भी सह क्रीडति। ऐसे ही मालाकार हारेभ्य पुष्पाणि आनयति, मालाकार हार के लिए फूलों को लाता है, तो मालाकार मालेभ्य पुष्पाणि आनयति। साथ साथ आप बुक में पेंसिल की सहायता से लिखते भी रहेंगे। पत्राणि सर लिख रहे हैं। वृक्ष, पत्राणि वृक्षात् पतंती, अब यहां पर ब्रैकेट में दिया लता, तो पत्राणि लताया पतंती, पत्ते कहां से गिरते हैं, लता से। एतत् तु मम जनकस्य पुस्तकम् अस्ति, यह तो मेरे पिता की पुस्तक है। फिर यहाँ पर अम्बा के लिए आ गया, एतत् तु मम अम्बायाः पुस्तकम् अस्ति, यह तो मेरी माँ की पुस्तक, अम्बायाः पुस्तकम् अस्ति। उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति, है ना, उद्यान में फूल खिलते हैं, लेकिन यहाँ पर उद्यान के लिए क्या आ गया, वाटिका, तो वाटिकायां पुष्पाणि विकसन्ति, ठीक, वाटिकायां पुष्पाणि विकसन्ति। हे राम त्वं कुत्र गच्छसि, हे राम आया यहाँ पे दे दिया सीता के लिए, हे सीते त्वं कुत्र गच्छसि, पर पूछा कि हे राम आप कहाँ जाते हैं, तो यहाँ फिर आ गया हे सीते आप कहाँ जाती हैं, त्वम कुत्र गच्छस, हो गया। देखिए विद्यालय का चित्र दिया हुआ है, अब देखिए आ गया कारक परिचय, आपको एक दिन और बताया गया था कारक परिचय, कारक परिचय आपको पहले भी बताया गया था, कारक किसे यस कहते सर, हैं, है ना, यस सर, गर्मी छुट्टी से पहले आपको बताया यस गया था। यस सर, तो पहले यहां पर देख लीजिए आप, पठन्तु अवगच्छन्तु च, पढ़ें और समझें, क्या पढ़ें भाई, छात्रः पठति, छात्रः पाठं पठति, छात्रः कलमेन लिखति, छात्रः भिक्षुकाय भोजनम यच्छति, छात्रः विद्यालयात् आगच्छति, छात्रः संस्कृतस्य पुस्तकं पठति, छात्रः क्रीडा क्षेत्रे क्रीडति, छात्रः मित्रं कथयति, हे देव आगच्छ क्रीडाव, ऐसा यहाँ पर कहा कि छात्र पढ़ता है, छात्र पुस्तक को पढ़ता है, छात्र कलम से लिखता है, छात्र भिक्षु को भोजन देता है, छात्र विद्यालय से आता है, छात्र संस्कृत की पुस्तक पढ़ता है, छात्र खेल के मैदान में खेलता है, छात्र अपने मित्र को कहता है कि हे देव आओ हम दोनों खेलते हैं, ऐसा यहाँ पर लिखा। अब कह रहे हैं कि ऊपर लिखतेषु वाक्येषु सर्वेषु स्थूल पदेषु पृथक पृथक विभक्ति ही अस्ति,
आप देखिए यहां पर अलग अलग जो मोटे अक्षर में लिखा हुआ है ना, वो सभी अलग अलग विभक्तियों के रूप वहां पर दिए हुए हैं। अब आप देखिए यहां पर करा कि यथा, जैसे प्रथमे वाक्य छात्र अस्ति, प्रथम वाक्य में छात्र है, एतस्मिन् शब्दे प्रथमा विभक्ति अस्ति कारणम छात्र पठनस्य कार्यम करोति, छात्र पढ़ने का कार्य करता है, अर्थात कर्तकारकम अस्ति, इसलिए वह कर्ता कारक है, कर्तकार के च प्रथमा विभक्ति भवति, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। आपको पहले भी बताया गया था गर्मी छुट्टी से पहले कि कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। यहां भी आप देखिए कि छात्र में प्रथमा विभक्ति है अर्थात कर्ता कारक। द्वितीय वाक्य, दूसरे वाक्य में पाठम इति पदे द्वितीया विभक्ति अस्ति, पाठ ऐसे पद में द्वितीया विभक्ति है, क्यों है कि क्रियाया प्रभाव पाठस्य उपरि भवति, क्रिया का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता है वही क्या होता है, कर्म होता है। ठीक है, पाठम इति पदम, पाठ ऐसे पद में कर्म कारक अस्ति, कर्म कारक है, कर्म कारक के च द्वितीया विभक्ति, कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीया विभक्ति। फिर कह रहे हैं तृतीय वाक्य, तीसरे वाक्य में लेखन से साधनम कलमम अस्ति, लिखने का साधन कौन सा है, कलम, अतः कलमेन इति पदे, कलम ऐसे पद में करण कारकम अस्ति, करण कारक, क्योंकि येन साधनेन क्रियापति, जिस साधन से क्रिया होती है तत्र करण कारकम भवति, वहां पर करण कारक होता है, क्योंकि लिखने की क्रिया किसके द्वारा हो रही है, कलम के द्वारा हो रही है, इसलिए कलम ऐसे शब्द में करण कारक होगा, और करण कारक के च तृतीया विभक्ति भवति, और करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। चतुर्थे वाक्य, चौथे वाक्य में देखिए भिक्षुकाय इति पदे चतुर्थी विभक्ति अस्ति, भिक्षुकाय ऐसे पद में क्या है, चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है, क्यों, यतः यस्मै कार्यम क्रियते, जिसके लिए हम कार्य करते हैं, यस्मै जिसके लिए कार्यम क्रियते कार्य करते हैं, अथवा यस्मै किमपि दीयते, या जिसको हम कुछ भी देते हैं तत्र संप्रदानम कारकम भवति, वहां पर संप्रदान कारक, तस्मिन् च चतुर्थी विभक्ति भवति, और उसमें क्या होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहाँ भिक्षुकाय, तो भिक्षुकाय ऐसे पद में क्या है, चतुर्थी विभक्ति अर्थात संप्रदान कारक है। पंचमे वाक्य, पांचवे वाक्य में देखिए विद्यालयात पदे पंचमी विभक्ति अस्ति, विद्यालयात ऐसे पद में क्या है, पंचमी विभक्ति, क्यों, यस्मात स्थानात कोऽपि अथवा किमपि पृथक भवति, जिस स्थान से कोई अलग होता है, जैसे आप पीछे पढ़े कि वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, है ना, तो जहां से कोई अलग होता है, यहाँ कारण यस्मात स्थानात कोऽपि अथवा किमपि पृथक भवति, पृथक अर्थात अलग होता है, जहां से कोई भी अलग होता है वहां पर क्या होता है, तत्र अपादान कारकम भवति, वहां पर अपादान कारक होता है, तस्मिन् च पंचमी विभक्ति भवति, और उसमें क्या होती है, पंचमी विभक्ति। षष्ठे वाक्य, छठवें वाक्य, संस्कृतस्य इति पदे षष्ठी विभक्ति, संस्कृतस्य ऐसे पद में षष्ठी विभक्ति है, यस्य येन संबंधः भवति, जहां पर जिससे जिसका कोई संबंध बताता है या होता है तत्र संबंध कारकम भवति, वहां पर संबंध कारक होता है, तस्मिन् च षष्ठी विभक्ति होती है, और उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। सप्तमे वाक्य क्रीडा क्षेत्र इति पदे सप्तमी विभक्ति होती है, क्रीडा क्षेत्र खेल के मैदान में सप्तमी विभक्ति है, यस्मिन् स्थाने क्रिया भवति, जिस स्थान पर क्रिया होती है, जहां पर क्रिया का आधार होता है वहां पर क्या होता है, अधिकरण कारक,
वहां पर अधिकरण कारक होता है। तस्मिन च सप्तमी विभक्ति होती है और उसमें सप्तमी विभक्ति होती है, तो क्रीड़ा क्षेत्रे सप्तमी विभक्ति। अच्छा जी, अष्टमे वाक्य हे देव इति पदे संबोधनम अस्ति। हे देव ऐसे पद में क्या है, संबोधन है। यदा कश्चित किमपि संबोधयति तस्मिन् संबोधनम भवति। जहां कहीं भी हम किसी को संबोधित करते हैं, बुलाते हैं, हे देव, हे राम, हे आचार्य, तो वहां पर उसको हम क्या कहते हैं, संबोधन। स्पष्ट हुआ? इस हिसाब से आप देखिए आगे कह रहे हैं कि पठंतु स्मरंतु च, पढ़ो और याद करो, याद भी कर रखिएगा इसको। कारकम, कारक चिन्ह भी आपको पीछे बताया गया था गर्मी छुट्टी से पहले, यहां भी देख के दिया हुआ है। कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, ने यह क्रियाम करोति, जो क्रिया को करता है, जो कार्य को करने वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं, कर्ता कारक। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है, देखिए लिखा हुआ कारक को, यत्र क्रियाया प्रभाव भवति, जहां पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। करण कारक तृतीय विभक्ति, से के द्वारा, इसका चिन्ह होता है, ये चिन्ह अगर आप याद करके रखेंगे तो आपको बहुत सहायता मिलेगी। तो से के द्वारा, ये न साधनेन क्रिया भवति, जिस साधन से क्रिया होती है, जैसे आप पीछे देखे कि कलम से पत्र लिखा जाता है, कलमेन पत्रम लिखति, कलमेन था ना। संप्रदान चतुर्थी विभक्ति, को के लिए, यस्मै क्रिया भवति, जिसके लिए कार्य किया जाता है ना। तो भिक्षुकाय भोजनम, भोजन किसको दिया जा रहा है, भिक्षुक को, भिक्षा मांगने वाले को, तो भिक्षुकाय यहाँ पर चतुर्थी। अपादान पंचमी विभक्ति, शे पृथक इति अर्थे, यस्मात् पृथक भवति, अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है अपादान कारक का। संबंध में षष्ठी विभक्ति, उसका चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री, येन सह संबंध, जिसके साथ संबंध होता है, वहां पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे वहां पर दिखाया गया कि संस्कृतस्य, किसकी पुस्तक, संस्कृत की पुस्तक। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति, में पर, यत्र क्रिया भवति, जहां पर क्रिया होती है, क्रिया का आधार जहां पर होता है वहां पर अधिकरण का। संबोधन, हे वो अरे, यश संबोधन बहुत, जिसका हम संबोधन करते हैं उसको हम संबोधन करते हैं। ठीक है, तो अब तो समय सीमा समाप्त हो रही है, इसका अभ्यास अगर आप देख पा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट तुरंत रखिए, नहीं तो कट जाएगा अब मीटिंग। यहीं तक है।